तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पंचर हो चुकी है। अब देख लो यार, भाई जी हमारे जय गुरुदेव के जो है अनुयायी हैं उमाकांत जी महाराज के, देखो ये हमारी कैसे समस्या से दूर करते हैं। हाँ, ट्यूब लोकल है हिंदुस्तान की, कहने कौन सी थी? अबे 27.5 और 1.95 वो कह रहे हो, 27.5 2.40 ले लो। तारो ने का नाम है? नाम रमेश। रमेश जी, देखो रमेश जी ने कितनी अच्छी जानकारी हमें दी है कि भाई आप अच्छी दुकान से ले हो आप, है ना। और ये बेचारे बहुत बढ़िया लगे मेरे को तो आदमी, ये समस्या से हमें दूर कर दें। देखें रमेश जी ने बताया ये आनंद साइकिल का, देखिए ये लग रहा है यहाँ से ले हो आप, बाकी सब जो लुटे रहे हैं साले। एक नंबर की चीज़ रखते हैं आनंद साइकिल वाले। और इनकी जो दुकान है, देखिए तीन दुकानें थी, दो तो बड़ी बड़ी थी और ये एक इनकी जो इन्होंने, ये बिल्कुल संतोषी तरह के व्यक्ति हैं और इन्होंने देखो ये और बहुत अच्छी राय हमें दी, भगवान इनका कारोबार बढ़ाए। तो ये अंदर की तरफ से पंचर हो गई, जहाँ पे ताड़ियाँ लगती है ना, तो इन इसमें थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो नई ट्यूब डलवाओगे पैरी में? इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि भाई अंदर की तरफ से पंचर होती है ना, तो आपको ट्यूब चेंज करा लेनी चाहिए, फिर बार बार परेशान करती है। तो ये भाई जी बता रहे हैं कि रालको और रालसन का टायर और ट्यूब आप लगवा सकते हो, क्योंकि क्या है इसमें जो जैसे कैंडा के लगे हुए हैं ओरिजिनली, तो देखिए तो कैंडा तो क्या है कि अब यहाँ पे मिलता भी नहीं है, बहुत महंगा भी है। तो ओरिजिनल साइकिल के साथ लेते हो तो सस्ता आता, वरना 2,500 का टायर आता है। ये सही है रालसन का, 400 रुपये का बढ़िया चल रहा है। अभी इसका जो पुराना पंचर है इसको खोल रहे हैं आग जला के। बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं देखो, और बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, टेक्निकल आदमी है। ये देखो मैं जब उतरा था, जब येलो कलर की साइकिल रिपेयर कर रहे थे, पर इन्होंने मेरे को प्रायोरिटी पे लिया, उस साइकिल को हटा के और मेरी वाली साइकिल को इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके कर रहे हैं काम, जल्दी होने की संभावना है पूरी। इनका ये कहना है कि अंदर की तरफ से जब पंचर होती तो सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए वो बार बार पंचर होती रही, तो साइकिल की ट्यूब चेंज करा लें जो भी साइकिलिस्ट और पर्यावरण प्रेमी है। अगर बाहर का पंचर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर का है तो तुरंत उसको चेंज कराएं। ये जो टेक्निक है आप देखिए, इसको रफ़ करना पड़ता है, रफ़ करने के बाद में फिर इस पर सॉल्यूशन ये लगा के और फिर चिपकाना पड़ता है। बहुत मेहनती आदमी है साहब। मेहनत वालों तो तगड़ो ही काम है तारो भी। इन्हें यहाँ ये रेज मालचू रगड़ बाछू जो पूरी ताकत लाग जाओ मैं, इसलिए तारी बॉडी की फिटनेस बढ़िया है, मैं नहीं लागे। तो क्या है कि बहुत अच्छे से लगाना पड़ता है पंचर को, इस पर सॉल्यूशन लगा के सुखाना पड़ता है। और ये देखिए आप टेक्निक इनकी, फूंक मार के सुखाना पड़ेगा और ये इस पर चिपका दिया गया, पूरा सेटिस्फेक्शन होने के बाद में ये उस पर चिपकाएंगे। ये चिपका दिया, अभी इसको लकड़ी से कूटेंगे। अभी जिस आसन पे ये बैठे थे उस पर इसको रख के कूटेंगे देखो, ताकि ये खराब नहीं हो। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है और जिम्मेदारी का काम है। ये देखिए आप। हाँ बेटा, क्या हो गया साइकिल में हवा भरवानी है? तो क्या नाम है आपके साइकिल का? है जेट? क्या नाम है आपका? हिमांशु। तो ये भी इनके ग्राहक है, देखिए छोटी छोटी साइकिलें हैं इनके पास में बहुत सारी। हिमांशु भी आ गए हैं। अब कैसी चल रही है बेटा हिमांशु साइकिल? बढ़िया चलो। इनके छोटे छोटे क्लाइंट हैं, देखो मन खुश रहता है छोटे क्लाइंट से भी। छोटे मतलब उम्र में छोटे। अभी वापस इसको फिक्स कर रहे हैं, टायर में चेक कर रहे हैं भाई कोई कांटा वांटा तो नहीं है। हालांकि इसकी संभावना बिल्कुल शून्य है, कांटा होता तो क्या है कि अंदर की तरफ पंचर नहीं होता है। हिमांशु बेटा, इसके मडगार्ड कहाँ है? मडगार्ड टूट गए क्या? जो पानी पानी रोकने का मडगार्ड होता है ना, ये काले रंग का लगा हुआ है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये वाला नहीं है? आया ही नहीं था इसमें? आया था, कहाँ गया आप? टूट गया। मडगार्ड टूट गया तो बेटा पानी है ना, पानी में साइकिल चलाएगा ना तो धीरे कर लिया कर, वरना पीछे से पानी उड़ के आएगा, तेरी मम्मी डांटेगी, फिर टी शर्ट गंदी हो जाएगी, समझ गया ना? पानी जैसे ही आए धीरे कर लेना बेटा। तो बच्चे को भी बता दिया आप कैसे साइकिल चलानी है पानी के अंदर, इसका मडगार्ड टूट चुका है। वाह साहब धन्यवाद। ये देखिए साहब हमारे रमेश जी, अरे यार मारा नाम निकल जाओ तारा दिमाग से,
रमेश जी देखिए, ये हमारे साइकिल के डॉक्टर हैं और हम जो ह्यूमन बींग्स के डॉक्टर हैं, इन्होंने खड़ी कर दी है साइकिल। देखिए ये रमेश जी ने बड़ा ही मेहनत करके, और इन्होंने ये सजेस्ट किया है कि भाई इसकी आप ट्यूब ज़रूर चेंज करा लें, नहीं कराएंगे तो आपको फिर इस तरह की समस्या आ सकती है। ये खड़ी हो गई है साहब, रमेश जी ने साइकिल हमारी खड़ी कर दी है, ये बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इनकी जो दुकान है सांवली सर्किल पे, वो जो आपको मैंने वीडियो डाला था दिल बाग मसाला का, दिल बाग साला था, है ना, बहुत ही जुझारू और जय गुरुदेव के ये अनुयायी हैं और बहुत ही संतोषी और मतलब अपने कार्य में निपुण व्यक्ति हैं। अगर इस जगह आपको आवश्यकता हो तो इनकी सेवा ज़रूर लें। तो बाय माय डियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आज के टूर पे। ठीक है बेटा हिमांशु, पानी आएगा जब, धीरे चलाना। ठीक है बेटा।